हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत के साथ सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में। ये लिस्ट बिल्कुल अपडेटेड है और आपको इसमें बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिए। और जो इस लिस्ट में नंबर 7 पे है वो है लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल का जन्म 15 जून 1950 में हुआ था। इनका पूरा नाम लक्ष्मी निवास मित्तल है और लोग इन्हें किंग ऑफ स्टील के नाम से भी जानते हैं। लक्ष्मी निवास मित्तल आर्सेलर मित्तल, जो की दुनिया की सबसे बड़ी स्टील बनाने की कंपनी है, उसके चेयरमैन और सीईओ है। उसके साथ साथ कैरिक लिमिटेड के मालिक, क्यून पार्क रेंजर एफसी के सह मालिक और गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड मेंबर हैं। लक्ष्मी मित्तल फिलहाल लंदन यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं और तो और उन्हें पद्मा विभूषण अवार्ड भी मिला है 2008 में। और जो उनकी नेटवर्थ है वो है 10.5 बिलियन US डॉलर। अब जो हमारी लिस्ट में नंबर 6 पे है वो है राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी की उम्र 64 साल है और उन्हें लोग इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर और एंटरप्रेन्योर मानते हैं। ये एवेन्यू सुपर मार्केट कंट्रोल करते हैं। इन्होंने एक टाइम मुंबई में रिटेल स्टोर खोला था 2002 में, वो अनस्टॉपेबल रहा है और आज ये 190 डीमार्ट्स के मालिक है जो कि पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। राधा किशन दमानी तबाको की फर्म वीएसटी इंडस्ट्रीज से लेकर बियर बनाने वाली कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज में भी दाव लगाते हैं। फिलहाल अभी ये मुंबई में रहते हैं और जो इनकी नेटवर्थ है वो है 14.3 बिलियन US डॉलर। अब जो इस लिस्ट पे नंबर 5 पे है वो है शिव नादर। शिव नादर का जन्म 14 जुलाई 1945 में हुआ था। ये इंडिया के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। शिव नादर HCL टेक्नोलॉजी और शिव नादर फाउंडेशन के चेयरमैन और फाउंडर हैं। इसके साथ साथ SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के भी फाउंडर हैं। फिलहाल अभी ये न्यू दिल्ली में रहते हैं और इन्हें 2008 में पद्मा भूषण अवार्ड मिला है और जो इनकी नेटवर्थ है वो है 14.4 बिलियन US डॉलर। अब जो इस लिस्ट पे नंबर 4 पे है वो है उदय कोटक। उदय कोटक का जन्म 15 मार्च 1959 में हुआ था। ये इंडिया के एक बिलियनर बैंकर है। उसके साथ साथ कोटक महिंद्रा बैंक के CEO, फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर है और तो इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस के चेयरमैन है। फिलहाल अभी ये मुंबई में रहते हैं और इनकी जो नेटवर्थ है वो है 14.8 बिलियन US डॉलर। अब जो इस लिस्ट पे नंबर 3 पे है वो है पलोनजी मिस्त्री। पलोनजी मिस्त्री का जन्म 1929 में हुआ था। ये इंडिया के एक बिलियनर कंस्ट्रक्शन टाइकून है। पलोनजी मिस्त्री शाहपुर जी पलोनजी ग्रुप के चेयरमैन है, जिसके साथ साथ 18.4% का स्टेक है उनका टाटा सन्स में। फिलहाल वो अभी साउथ मुंबई में रहते हैं लेकिन अभी उनकी सिटीजनशिप इंडियन नहीं है। पहले वो इंडियन ही थे लेकिन अब उन्हें अपनी सिटीजनशिप आयरिश कर ली है और उनकी नेटवर्थ है 15 बिलियन US डॉलर। जो इस लिस्ट पे नंबर 2 पे है वो है गौतम अदानी। गौतम अदानी का जन्म 24 जून 1962 में हुआ था। ये इंडिया के बहुत बड़े बिलियनर इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और तो और ये अदानी ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर भी हैं। इनकी पूरी इनकम अदानी ग्रुप के सारे काम से ही जनरेट होती है। इंडिया टुडे के हिसाब से ये इंडिया के 3rd मोस्ट पावरफुल पर्सन है। ये अभी फिलहाल अहमदाबाद गुजरात इंडिया में रहते हैं और इनकी जो टोटल नेटवर्थ है वो है 15.7 बिलियन US डॉलर। अब जस्ट लिस्ट पे नंबर 1 पे है उसे बताने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। बेल नोटिफिकेशन बार को दबा दीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब जस्ट लिस्ट पे नंबर 1 पे है वो आप सभी को पता है, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 में हुआ था। इनका पूरा नाम मुकेश धीरो भाई अंबानी है और ये इंडिया के सबसे बड़े बिजनेस मैग्नेट है। अंबानी जी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर और सबसे बड़े शेयर होल्डर है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इंडिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। फोर्ब्स लिस्ट के अकॉर्डिंग ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उसके साथ साथ 13वें नंबर पे आते हैं दुनिया की अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में। इंडिया टुडे के हिसाब से ये इंडिया के सबसे पावरफुल पर्सन है। फिलहाल अभी ये मुंबई में रहते हैं और इनकी जो नेटवर्थ है वो गौतम अदानी की नेटवर्थ से 3 गुना ज्यादा, कर लीजिए उससे भी ज्यादा है। इनकी जो नेटवर्थ है वो है 51.4 बिलियन US डॉलर। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो इंडिया के सबसे अमीर व्यक्तियों के बारे में। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये फॉर्ब मैगजीन आती है हर साल, इस साल भी आई है, उसके अकॉर्डिंग है और इसमें बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी गई है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर आपकी अभी भी कोई राय या फिर सवाल हो तो नीचे कमेंट में कर दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।